स्लम एलिमिनेशन एंड हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष हरीश रिकोडवार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए रमी आवास योजना से शहर के कितने लोगों को लाभान्वित किया है और कितने मामले लंबित है इसकी जानकारी जोनल समीक्षा की। नागपुर नगर निगम मुख्यालय शुक्रवार को पंजाब राव देशमुख मेमोरियल हॉल में कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष हरीश टिंकोडवार, उपाध्यक्ष रुतिका मसराम, सदस्य कांता रारकोर, विद्या मदवी, दिनेश यादव, साक्षी राउत, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, सामाजिक विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर, सहायक आयुक्त अशोक पाटिल, साधना पाटिल, विजय ने भाग लिया। मानवीय हरीश राउत, प्रकाश वर्दी, सुषमा मांडे, गणेश राठौड़ आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी सहायक आयुक्तों ने रमी आवास योजना की जोनवार प्रगति की जानकारी दी। सहायक आयुक्त ने प्रत्येक जोन में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कितने लंबित हैं, कितने चेक जारी किए गए हैं इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। सभापति हरीश टिंकोडवार ने अगली बैठक में उपस्थित होकर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, क्योंकि बैठक की सूचना के बाद भी कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे। SRA विभाग को किसी भी विभाग से परामर्श किए बिना समिति को सूचित करना आवश्यक है। अब से उन्हें हर जानकारी कमेटी को देनी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समिति के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं उन योजनाओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी समिति के सभी सदस्यों को आगामी 3 दिनों के भीतर लिखित रूप में दी जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।